कल रियासी में यात्रा की गाड़ी पर हुए अटैक जिसमें 9 लोगों की हुई थी मौत, आज पूंछ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया गया और पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। आइए देखते हैं पूंछ से पूंछ न्यूज की ये रिपोर्ट। आज आप देख रहे हो कि बड़े दुखी मन से आज हमने यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से दुखी मन से प्रोटेस्ट किया है कि ये पाकिस्तान का हमने पुतला जलाया है। आप देख रहे हो कल जिस तरह से कायराना हरकत उन उग्रवादियों ने यहाँ रियासी में की है, निहत्थे यात्रियों पे जो अटैक किया है उसकी हम भरपूर भर्त्सना करते हैं और अपनी केंद्रीय सरकार से आग्रह करते हैं कृपा करके आप इस पाकिस्तान जैसे नापाक देश का कोई इलाज करो। आपने 3 बार की शपथ ली है और हम चाहते हैं कि इस बार अब आप मजबूती से आए हो, जल्द से जल्द इस पाकिस्तान जैसा नापाक जो देश है इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हो कि दिन ब दिन जो उग्रवादियों के जो मिलिटेंट्स के जो टेररिस्ट के जो अटैक्स हैं वो दिन ब दिन जोरी पूंछ जैसी बेल्ट पे बढ़ते ही जा रहे हैं। हम चाहेंगे जल्द से जल्द इसे पूरी तरह समूल विनाश किया जाए ताकि हम यहाँ पे अमन चैन की जिंदगी जी सके। हम यहाँ डरने वाले लोग नहीं है, लेकिन जिस हालात में ये टारगेट किलिंग हो रही है, यात्रियों में किलिंग हो रही है और आने वाले टाइम में हमारी अमरनाथ की यात्रा चलने वाली है, हमारी बूटा अमरनाथ यात्रा चलने वाली है और कई यात्राएं चलने वाली है, हम अपनी सरकार से आग्रह करते हैं कृपा करके कि इसके यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त इंतजाम किए जाएं और जिसने भी ये कारण हरकत किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। आज यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया है, ये रियासी में हुए कांड में जो यात्रा कांड हुआ है, बस पे अटैक किया गया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये विनती करते हैं कि जो ये इस कांड के हथियार हैं उसको ढूंढा जाए। आने वाले टाइम में काफी सारी यात्राएं हमारे जम्मू कश्मीर में चलने वाली हैं, ऐसी यात्राओं पे अटैक होते रहे अगर सब कुछ होता रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से ये विनती की जाती है कि वो इन कातिलों को ढूंढे और जल्द से जल्द पकड़ के इनको मारे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज आप देख सकते हो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कल हुए जो रियासी हमारे यात्रियों पर अटैक हुआ जिसमें छोटे से बच्चे और महिलाएं बुजुर्ग उन पर अटैक किया गया और उनकी हत्या की गई। हम उस जो हत्याकांड का यहाँ पे पुरजोर निंदा करते हैं और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रियासी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे क्योंकि वो मिलिटेंट पाकिस्तान जाके यहाँ से भाग नहीं जाएंगे, वो यहीं यहीं होंगे, उनको चुन चुन के मौत के घाट उतारा जाए। इसके लिए हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की। आप देख सकते हो कि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी जो है इन दिनों शुरू होने वाली है और इसके साथ में कचरा माता वैष्णो देवी जो है यात्रा उसमें भी बहुत ज्यादा रश हो रहा है। वैसे ही रियासी में शिवपुरी में बहुत ज्यादा रश है, तो कृपया करके जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे। यात्रियों की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है क्योंकि यात्री हमारे पास आ रहे हैं मेहमान की तरह। अभी आप कुछ दिनों से यहाँ पे जो टूरिज्म है बढ़ावा हो रहा था, ये यहाँ की डेवलपमेंट को रोकने के लिए ये साजिश की जा रही है। यहाँ पे फसाद करा के अटैक करके यहाँ की जो टूरिज्म है उसमें रुकाव लगाया जाए और जम्मू कश्मीर को बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका दिखाया जाए। हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उससे अपील करते हैं कि इन कातिलों को बख्शना नहीं है, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी है और हमारी तरफ से भी एक पुरजोर अपील है मोदी जी से कि ये जो हादसा हुआ है, ये मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण की उसी के कुछ दिन थोड़ी देर बाद हुआ है, इनको ये लोग
करने वाले नहीं है। अब जो हमने बहुत सारी इनको हमने वार्निंग दे चुकी है, अब वार्निंग देने का टाइम नहीं रहा है मोदी जी, इनको कड़ी से कड़ी जवाब दिया जाए और इनको चुन चुन के मारा जाए। सर्जिकल स्ट्राइक एक नहीं या हजारों सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है पाकिस्तान को, जो अंदर पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी दिनों दिन बढ़ रही है, इसको खत्म करने के लिए। जय हिंद जय।